गाइज ये है आईक्यू 3 जिसके अंदर हमको स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर देखने को मिलता है और सिर्फ 25,000 रुपये में, और ऑफर वगैरह लगा के तो भाई ये फ़ोन 23,000 रुपये में मिल जाता है। और ये फ़ोन है वन प्लस 9R जिसके अंदर हमको 870 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो 40,000 का है। भाई जो 865 का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है 870 जो इसके अंदर है, हमको आज देखना यह है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है डेली लाइफ में, मतलब यूज़ करने में। मैं CPU थ्रॉटल टेस्ट करूँगा, बेंचमार्क्स दिखाऊँगा आप लोगों को, ऐप ओपनिंग, फिर उसके बाद गेम्स ओपनिंग, उसके बाद मैं आप लोगों को वीडियो रेंडर वगैरह करके भी दिखाऊंगा। तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। सो ही वो गाइस वन इज ज़हीर एंड दिस इज़ द स्पीड टेस्ट कंपैरिजन बिटवीन आईक्यू 3 वर्सेस वन प्लस 9R। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज ये दो फोन है आज मेरे पास, ये है आईक्यू 3 जिसके अंदर हमको लास्ट ईयर का फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिलता है जो मैं बोलूंगा 865 है। भाई बहुत तगड़ा फोन है लेकिन सिर्फ 25,000 रुपीज में फिलहाल मिल रहा है हमको, और ये 40,000 रुपए का फोन है जो है वन प्लस 9R जिसके अंदर हमको 870 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो 865 का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है मैं ऐसा बोलूंगा। तो भाई चलो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा फोन ज्यादा फास्ट काम करता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मतलब स्टेबल परफॉर्मेंस कौन सा देता है, स्पीड टेस्ट में कौन सा ज्यादा फास्ट है, मतलब रैम मैनेजमेंट में कौन सा ज्यादा बेटर है, सब देख लेंगे। पहले मैं आप लोगों को बेंचमार्क दिखा देता हूं। तो एंटूटू में जैसे आप लोग देख रहे हो ये 5,76,000, ये 6,00,000, तो लगभग बहुत ज्यादा क्लोज है। इंटरनल स्टोरेज की स्पीड की बात करूं तो यहां पर भी भाई काफी क्लोज है। बाकी एंटूटू के बाद गीक बेंच की बात करूं तो भाई गीक बेंच में लगभग सेम है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। और उसके बाद भाई देखो मैंने वाईफाई का स्पीड टेस्ट किया था कि देखने का था भाई किसमें अच्छा स्टेबल कनेक्शन मिलता, तो जैसे आप लोग देख रहे हो दोनों का लगभग सेम ही है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम लगा नहीं। अब ना गाइस मैंने दोनों के अंदर थ्रॉटल टेस्ट किया, जो मतलब प्रोसेसर का थ्रॉटलिंग टेस्ट होता ना वो मैंने परफॉर्म किया, और सरप्राइजिंगली दोनों भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो 865 वाज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल प्रोसेसर दैट आई हैव एवर यूज्ड। सिमिलरली जो 870 प्रोसेसर है वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बट यहाँ पर थ्रॉटलिंग में मैं बोलूँगा भाई जो आईक्यू है वो बिल्कुल भी थ्रॉटल नहीं करता। उसका एवरेज स्कोर 2,42,000 है, इसका एवरेज स्कोर जो है वो 2,22,000 है, और 89% तक थ्रॉटल किया था, ये 92% है भाई सोचो। तो थ्रॉटलिंग के मामले में मतलब जो सस्टेन परफॉर्मेंस है उस मामले में मैं बोलूँगा आईक्यू ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है भाई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्टेन परफॉर्मेंस हमको निकाल के देगा फॉर श्योर। सो बाकी ये सारे एप्लीकेशंस मैं यूज़ करने वाला हूँ, हम लोग स्पीड टेस्ट देख लेंगे भाई कौन सा फास्ट चलता है, वीडियो भी रेंडर करेंगे, लेट्स सी। बाय द वे बैकग्राउंड में एक भी एप्लीकेशन नहीं है, और दोनों जो फ़ोन है वो सेम ही वाईफाई से कनेक्टेड है, सारे एप्लीकेशंस कंप्लीटली अपडेटेड है, दोनों फ़ोन भी कंप्लीटली अपडेटेड है। विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट विद इंस्टाग्राम 3, 2, 1। ओके आईक्यू में पहले खुला भाई इंस्टाग्राम, दैट इज़ क्रेजी गुड। फेसबुक भी सेम स्पीड पे खुला दोनों में, मेरे ख्याल से फेसबुक इसका जो कंटेंट था वो वन प्लस में लोड हुआ पहले। ऑडिबल सेम स्पीड भाई, बहुत ज़्यादा फास्ट है दोनों। यूट्यूब इसके अंदर पहले खुला जो ये वन प्लस वाला फ़ोन है उसके अंदर। गूगल क्रोम सेम स्पीड भाई, एप्पल की वेबसाइट लोड करते हैं तो सेम ही स्पीड पे लोड हुआ। ये आईफोन 12 जो पर्पल वाला कलर है इसका बाय पेज ओपन करते हैं 3, 2, 1। इसमें खुल गया भाई, इसमें भी खुल गया, तो वो था रियली फास्ट, लेकिन जो 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले होने की वजह से ये जो फ़ोन है वन प्लस ये बहुत ज़्यादा स्मूथ फील होता है भाई, लिटरली बहुत ज़्यादा स्मूथ फील होता है। अभी मैं कैमरे के ऊपर आपको ये नहीं एक्सपीरियंस करा सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहता है। जियो सावन सेम स्पीड भाई, प्राइम वीडियो सेम स्पीड, कैलकुलेटर भी सेम स्पीड। ओला इसके अंदर स्लाइटली पहले खुला मतलब वन प्लस के अंदर। ऊबर भी पहले खुला स्लाइटली वन प्लस के अंदर। अमेजॉन शॉपिंग एप्लीकेशन इसके अंदर पहले खुल गया भाई आईक्यू में। फ्लिपकार्ट सेम ही स्पीड पे दोनों में खुला। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल भाई ये बड़ा गेम है, विल सी किस में पहले खुलता है। एंड इसमें पहले खुल गया भाई आईक्यू में, इसके अंदर भी एकदम फटाफट ही खुला, लेकिन पहले तो इसके अंदर ही खुला आईक्यू में। ओके सबवे सर्फर्स जो है वो लेट्स सी। ओके दोनों में काफ़ी ज़्यादा फास्ट था भाई, दोनों में लगभग सेम था। बाकी काइन मास्टर आईक्यू में पहले खुला भाई। अब गाइस दोनों के अंदर है ना मैं सेम 1 मिनट की DSLR से शूट की हुई फुटेज को इम्पोर्ट करता हूँ, दोनों को मैं 0.5x पे स्लो डाउन करता हूँ गाइस, और फिर हम लोग एक्सपोर्ट करके देखें किसमें ज़्यादा फास्ट वीडियो रेंडरिंग होती है। दोनों सेम ही प्रोसेसर है भाई, 865 और 870 में ज़्यादा फ़र्क है नहीं,
बट जैसे आप लोग देख रहे हो 1080p का फाइनल फाइल है, 1080p 30fps, 8.5 MB का बिटरेट, 133 MB की फाइनल फाइल बनेगी. विल सी विच वन विंस गाइस. लेट्स सी 3, 2, 1 स्टार्ट. भाई ये 870 वाला है ऊपर में, और जो नीचे वाला है ये 865 है, बेसिकली IQ3, और दोनों बहुत ही ज्यादा फास्ट रफ्तार से बढ़ते हुए. लेट्स सी कौन जीतता है. भाई साहब बहुत ही ज्यादा फास्ट, बहुत ही ज्यादा फास्ट. बोथ आर लाइक, मतलब एक सेकंड का भी फर्क नहीं, एक सेकंड का भी. दोनों ने 36 सेकंड्स के अंदर ही वीडियो को रेंडर कर दिया भाई. तो मैं यहां पर बोलूंगा कि भाई दोनों भी बहुत ज्यादा फास्ट है. क्लियरली भाई, क्लियरली दिख के आता है दोनों की स्पीड जो है वो क्लियरली दिख के आती है. दोनों भी बहुत ज्यादा फास्ट है. अब देखो दोनों के अंदर 8GB रैम है, ठीक है. हम रैम मैनेजमेंट देख लेते हैं कैसा है. सबवे सफर्स दोनों में है, कॉल ऑफ ड्यूटी दोनों में है ऑफकोर्स, जैसे आप लोग यहां पर देख रहे हो. फ्लिपकार्ट भी दोनों में है, अमेजोन भी है दोनों में, ऊबर भी है, ओला भी है, कैलकुलेटर भी है ऑफकोर्स, प्राइम वीडियो दोनों में है लगभग लगभग, जियो सावन भी है दोनों में, कंटेंट रिलोड हो रहा खाली, क्रोम भी है दोनों में भाई, यूट्यूब भी है दोनों में, ऑडिबल भी है दोनों में, फेसबुक भी है दोनों में, इंस्टाग्राम भी है दोनों में. तो दोनों का रैम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है भाई. मैं ये बोलूँगा यहाँ पर देखो, ये 25,000 रुपये का फ़ोन है, ठीक है, IQ3. और ये जो फ़ोन है OnePlus 9R भाई, ये 40,000 रुपये का है. तो दोनों के बीच में लगभग लगभग 15,000 रुपये का डिफरेंस है. बट परफॉर्मेंस में भाई मैं IQ को ही ज़्यादा आगे रखूँगा. परफॉर्मेंस अभी भी IQ का ज़्यादा बेटर है, लेकिन ये 5G है, इसमें 120Hz AMOLED डिस्प्ले है, इसका बेटर कैमरा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो OnePlus में ज़्यादा बेटर हैं फॉर श्योर. लेकिन भाई परफॉर्मेंस के मामले में खाली आपको गेम खेलना है तो भाई उसमें IQ अभी मचा रहा है, क्योंकि भाई इसके अंदर देख रहे हो ये ट्रिगर वगैरह है. तो भाई आपको ये फ़ोन 22-23 में तो मिल जाएगा, 23 तक तो मिल जाएगा भाई. 23,000 रुपये में आपको ये फ़ोन मिल रहा है तो आप बिंदास परचेज कर सकते हो IQ3 भाई. अभी भी मेरी रिकमेंडेशन है. सो गाइस ये था एक छोटा सा स्पीड टेस्ट कंपैरिजन ये दोनों फ़ोन में, और जैसा मैंने सोचा था भाई वैसा ही हुआ. मतलब ना के बराबर ही डिफरेंस मिला. दोनों फ़ोन बहुत ही ज़्यादा सिमिलर परफॉर्म करते हैं, बट इसके अंदर भाई ज़्यादा बेटर कैमरा है और डिस्प्ले वगैरह इसका थोड़ा ज़्यादा बेटर है, लाइक 120Hz वगैरह होने की वजह से. और चार्जिंग स्पीड तो मैं नहीं बोलूँगा ज़्यादा बेटर है, लेकिन ओवरऑल ये थोड़ा सुप्रीम या फिर प्रीमियम फ़ोन मैं ऐसा बोलूँगा. बाकी ये फ़ोन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और गेमिंग के लिए तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, खाली अगर आपको गेम खेलना है, क्योंकि भाई इसके अंदर बहुत सारे गेमिंग के लिए एक्स्ट्रा फीचर्स दिए हुए और प्लस हेडफोन जैक भी है. तो या यही था एक छोटा सा स्पीड टेस्ट. आई होप आपको पसंद आएगा. पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. बाय.